निगम को आज 50+10 60 करोड़ रिलीज हुआ है नाटक कमेटी के लिए, नाटक कमेटी जो गरीब लोग है उनके लिए, तो उसका उद्घाटन हुआ होना है, नया था इसलिए टाइम लग रहा है, 4 महीने हुआ, 21 फरवरी को चेयरमैन बना अनाउंस हुआ, 21 को ही उसका उद्घाटन है, तो 4 महीने को हो रहा है ये ऑफिस का उद्घाटन है, और ये स्कीम पूरा रेडी किए हैं, गवर्नमेंट का अप्रूव भी हुआ है रेडी का, ये स्कीम का उद्घाटन है, और हमारा सिंबल जो है लोगो उसका उद्घाटन है CM साहब के हाथ से, उस वो बड़े पैमाने पर करना ये हमारे लोगों की इच्छा है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम को गवर्नमेंट के लोग करते हैं, उसको लोग लाभ नहीं बोलते, और हमारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे समाज को पहली बार मिला ही तो ये अच्छा करेंगे, ज़्यादा जन जमा होंगे, CM को शुक्रिया अदा करेंगे, और हमारे और डिमांड भी जो है ना वो भी उनके पास रखेंगे, और इसको भी पैसा ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल का डिमांड है, बाकी ऐसा ये सब लोग बोल रहे हैं कि पैसा कम है, तो मैं ये उनको बोल रहा हूँ कि भाई जब MLA था हम BKDP बनाए, BKDP को खाली 5 करोड़ हुआ था, आज BKDP का एक पार्ट है अनुभव मंडी उसको 5 करोड़ हुआ है, आज हम 50 करोड़ के स्टार्ट कर रहे हैं, भविष्य में 2 साल के बाद 5 साल के बाद मैं अध्यक्ष रहूँगा नहीं रहूँगा कितना करोड़ मिलता है उसको ये नहीं है, लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट, आकाश तक हम जा सकते हैं, तो दिल छोटा कर गवर्नमेंट पर नाराज करने का नहीं है, जो मिला है उसको हम स्वागत करेंगे और ज़्यादा कम पूछते जाएंगे, है ना। प्रोग्राम पहले पैलेस ग्राउंड में है इसलिए मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँ, तो उम्र का बोले तो 1200 कथा होगी, वही बेंगलोर के भी जमा होते थे, पैलेस ग्राउंड में 10,000 लोग जमा करना पड़ता है, बाहर के लोग बाहर के लोग आने तकलीफ थी, एक बरसात है, दूसरा मंगलवार है, और बहुत डिस्टेंस है, हमारी कम्युनिटी के लोग कहाँ हैं, बेलगाम में है, बागलकोट में है, बीजापुर में है, बाड़द में है, और बीदर में है, सब महाराष्ट्र के बॉर्डर के हैं, 5 से 6 किलोमीटर के ऊपर की सर, 5 से 6 किलोमीटर आना पड़ता है, 2 दिन का भाड़ा लेना पड़ता है, 2 दिन लगता है, मुश्किल की बात है, तो भी हम सबको आओ बोल रहे रिक्वेस्ट कर हम लोगों को आदत पड़ी है अच्छा हो बुरा हो कोई तो टिकट निकालता है बेंगलुरु को लोग आते सुनते यहाँ पर अगर टिकट हम निकालने को हमारे पास कुछ भी नहीं है ना हमारा जेब भी खाली है हाथ भी खाली है तो हम लोग भी रिक्वेस्ट करें कि निगम तुम्हारा है कि निगम का आप और हमारे MLA साहब को रिक्वेस्ट किया 500 लोगों में लाभ 300 लोगों का लाभ है प्रॉमिस किया ऐसा सब लोग MLA को रिक्वेस्ट करें जांजरा मराठा वोटर्स है सबको हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को लाभ भी करते हैं तो उसमें देखेंगे कितने लोग MLA करते हैं नहीं करते ये बात अलग है क्योंकि 50 लोग आए तो 1 बस हो 500 लोग आए तो 10 बस हो 10 बस हो तो उसके किराया भाड़ा सब बोलते हिसाब हिसाब होगा टोटल आप बजट किए तो 80 लाख होगा ये सब बसेस के लिए उसका ग्राउंड का हॉल का किराया 24 लाख और एक लंच देना पड़ता है एक दोपहर का खाना तो पूरा होने के बाद वो खाने का 12 लाख होगा तो इस कमरे से ये बहुत बड़ा पैमान मिल रहा है तो लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे आओ ये तुम्हारा निगम है प्रोग्राम कौन सी डेट को होने वाला सर डेट 19 जुलाई 11 बजे तो बसों के लिए कितने लोग आने वाले सर प्रोग्राम हम तो कम से कम 500 लोगों को बोल रहे हैं 500 लोग खाना हमने साहब को भी रिक्वेस्ट किया है 500 लोगों को आप आयोजन करो बोलो 300 का प्रॉमिस किए मुझे लाने का 300 का वो लाए तो हमारे हमारे रिक्वेस्ट पर 200 रुपये आए तो 500 होते सर जिस तरह से बाई इलेक्शन में मराठा समाज के कुछ डिमांड थे जैसे कि 2A का था फिर आपको एक MLC भी देने का था तो इस पर ना 2A हुआ ना आपको MLC मिला तो इस पर क्या हुआ तो लीगल हर्डल्स पंचम सैनिक का बीच में आ गया और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का जो रिजर्वेशन दिए तो कैंसिल हो गया तो लीगल टैंगल है वो तो जब भी जो उसको रास्ता मिलता है वो तो हमारे भी हो जाएगा ऐसा उम्मीद है तो आज वो गवर्नमेंट चाहे तो भी करना बड़ा मुश्किल की बात है लीगल है हाँ मेरा MLC करने का अतः अब तो चले गए MLC दूसरे लोग आकर बैठ गए अब जगह खाली नहीं है तो भी CM साहब बोले हैं कि मैं आपको न्याय करता हूँ जस्टिस देता हूँ देखिए क्या सर आने वाले दिनों में और मराठा समाज के क्या डिमांड रहेंगे सर गवर्नमेंट से डिमांड हमारी डिमांड है ये 10-15 साल से चल रहा है ये निगम जो बना है ना 15 साल से ये डिमांड करने के बाद
पशु कल्याण का बाय इलेक्शन आने के बाद बाय इलेक्शन ही हम हुआ ही पशुपाल बाय इलेक्शन तो ऐसा ही डिमांड है समझो तो अकबर और बिरबल की कहानी आपको मालूम होगी वो पूछते हैं अकबर बादशाह कि हमारे हाथ पर ये बाल क्यों गई तो बिरबल बोलता है कि आप लोगों को देने में आपकी बाल चले गए और हमारे लेने में बाल चले गए वैसा हम पूछते ही रहना हम करते ही रहना आज एक होगा कल एक होगा जब होता है सर शिवाजी पार्क क्या हुआ शिवाजी पार्क के एम एल ए और अंदर तक ना अदरग अस्ट इला प्रयत्न माता नम गई और लैंड अक्वैर मे बट शिवाजी पार्क शिवाजी सृष्टि शिवाजी सृष्टि शिवाजी सृष्टि अंदर शिवाजी बाल्यकाल और राजाभिषेक शीलकोड़ या प्रकार मातेमारी मारे अशोक अदे अदे सब घर स्केल मेरा अक्रूजदार मोहती पाटिल मारे सोलापुर हरेश्वर मारे बेलगाम अभय पाटिल मारे आ प्रकार शिवाजी सृष्टि शिवाजी पार्क शिवाजी स्टैचू है वे शिवाजी पार्क शिवाजी स्टैचू अंत हत्या कटी हत कोटि रूपये ना डिमांड कुर्ता मंजूर मे मत मराठा समाज में हईके हईटेक कल्याण मंटप ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅವ ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸುದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೋಶಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಸುನ್ನೆ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಕಿ ಆಪ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಭಿ ಠಹರ್ನೆ ವಾಲೆ ಯೇ ಅಭಿ ಬೋಲೋ ನಾ ಮೈ ಕಾಶಿ ಠಹರ್ನೆ ಬೋಲೋ ಸರ್ ನಾಮ ಆ ರಹಾ ಸರ್ ಕಿ ಆಪ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕಾಶಿ ಠಹರ್ನೆ ಪುಸ್ಕಲನ್ ಮೇ ಎಂ ಎಲ್ ಸಾಹಬ್ ಹೈ वो अभी उनका पूरा टर्म नहीं हुआ पूरा अभी 5 ईयर्स नहीं मिला उनको 2 साल मिले तो पूरा टर्म जिसको नहीं मिलता उसको पार्टी कंटिन्यू करती है और वो मई 72 के ईयर से मेरे आधी आधी उम्र को है बहुत यंग है मेरे दो 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 कदम चलने तक मैं 20 कदम चलते उनका स्पीड चलने का स्पीड काम करने का स्पीड बहुत क्रियाशील है और बहुत काम करें तो सुना मैं तो कल्याण में नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो लोग बोलते हैं कि बहुत रात दिन काम तो क्यों उनको कहे बदलेगी पार्टी पार्टी उनको नहीं जीत देगी मुझे क्यों देंगे बाईपास हुआ है मेरा छोटी का ये सुन ये सुबह है ना अगर आने वाले दिनों में एमएलए सबको टिकट मिलता है फिर आप क्या उनको समर्थन करेंगे बिल्कुल कर जो पार्टी में हम आए अगर बीजेपी मेरा आज तक जैसा कि मराठा समाज के डिमांड थे अभी फुलफिल नहीं हुए तो फिर भी क्या आप मराठा समाज उनको समर्थन करेंगे मेरा रिकॉर्ड है मैं पार्टी बहुत जीत हमारा ये भी रिकॉर्ड है मेरा एक पार्टी में पार्टी को खिलाफ नहीं किया जब भी पार्टी का मेरा जमता नहीं तो पार्टी छोड़ तो नहीं उस पार्टी में रहकर मैं पार्टी को खिलाफ नहीं करता मैं आज बीजेपी में हूँ शरण को देंगे या आपको देंगे मैं वो पार्टी का काम करूँगा पार्टी का ये सवाल ही नहीं है सेकेंड अजय मराठा लीडर अजय कम्युनिटी का लीडर समझो स्टेट का मैं 5 साल चेयरमैन था 5 साल में अध्यक्ष था आज निगम का अध्यक्ष मेरा डिमांड रहेगा पशु कल्याण में एक तो बरता में बीदर जिले में एक तो एक बराबर को टिकट दे कहाँ से दे रहा हूँ पार्टी का सवाल या पालकी से देंगे या हमना बस से देंगे या बसों को देंगे अजय अजय कम्युनिटी लीडर मराठा का समाज का मैं एक लीडर हूँ उनके सब उनके आशीर्वाद से मैं हूँ उनके आशीर्वाद से ये आज हमारे एमएलए जीत गए बोलकर मैं आज अध्यक्ष हूँ तो मैं ये पूछूंगा हमको कम से कम 15 टिकट देना पड़ रहा पूरे स्टेट में 40 स्टेट काउंसिल्स में हम साइजेबल हैं हम डिसाइड करने वाले हैं कौन एम एल ए बनना कौन एम एल ए नहीं बनना 40 एम एल ए काउंसिल्स में और 10 MP काउंसिल्स में तो हम बोल रहे हैं कम से कम 15 MLA के टिकट मराठे को देना कहाँ देना उनके पार्टी का मर्जी तो बीदर में भी हम ये पूछते हैं बीदर जिले में कहीं भी दे दो डिमांड तो रहेगा किसको भी दे दो मुड़े को देना उनका नहीं है किसको भी देंगे हमारे पास भी हमें कितने दिन ठहरेंगे 7 बार हुआ था अब नहीं बार हम लोग ठहरे हमारे भाई लोग 30 साल के 25 साल के जो लोग हैं नौजवान हैं उनको अवकाश नहीं किया पर डिमांड तो रहेगा डिमांड तो रहेगा मराठा समाज के जो बोर्ड है उससे बसों को लेकर क्या डेवलपमेंट होगा सर ये पूरा स्टेट के लिए है जो भी आता है वो बसपा को आएगा चरण मैं यहाँ का हूँ यहाँ से लिए बसों को ज़्यादा देगा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा फंड दूंगा कम से कम बसों कल्याण को 50 लाख या 1 करोड़ का फंड दूंगा
ಬಾಕಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದಂತ ಒಂದು ಆಶಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಆಶೆ ಆಶಾವಾದಿ ಇದ್ದೀನಿ. सर, आने वाले जो 19 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उस बारे में मराठा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? उस बारे में मराठा समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आप आइए, जो हमको मिला है निगम वो मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी यूनिटी बताइए, अपनी ताकत बताइए, गवर्नमेंट को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सबको बताइए हम भी हैं, हम भी इतने लोग हैं, हम भी हैं, हमारा भी आपको सोचना पड़ेगा, हमारा भी हिस्सा है, इतना हमको देखकर हमारा भी हिस्सा हमको मिलना चाहिए, ये संदेश हमको देना है.